हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। इसको रेगुलर बेसिस पे आप वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा इसका। आई एम प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटो मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो भी बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे जरूर इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे जुड़ सकें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जाएगा फॉर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है, एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। एंड फॉर श्योर शॉर्ट सेलेक्शन प्लीज़ गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 से 24 मंथ, ठीक है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 12 से 24 महीने के प्लान लें। इसका बहुत सारे रीज़न, एक तो ये इकोनॉमिकल अगर कंपेरिजन करेंगे इससे और इससे, ठीक है, प्राइस 12 मंथ से 24 मंथ के। दूसरा चीज़ ये, अगर एग्ज़ाम को आप समझते हैं तो साल भर लग जाता है एग्ज़ाम को क्रैक करने में या निकालने में, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास अपडेटेड मटेरियल होने चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो वो सारा नीड यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें जो करंट अफेयर का सेक्शन है, जो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली 1 साल से 1.5 साल पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डे बाई डे लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भी आपको ये चीज़ फोकस करना चाहिए कि आप 12 से 24 महीने का ही प्लान परचेज करें। उससे भी इम्पॉर्टेंट एक और बात बताऊं कि जब भी आप प्लान परचेज करें तो ज़रूर ज़रूर ये कोड यूज़ करें, दैट इज PRABHSH। जैसे ये प्लान यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 6,000 का कोर्स आपको सिर्फ 5,400 पड़ जाएगा और 7,200 का कोर्स आपको 6,480 में पड़ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक MCQ स्टैटिक सीरीज। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये, एग्जाम में आपने काफ़ी देखे होंगे। ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी मध्य प्रदेश एंड डी छत्तीसगढ़। द राइट आंसर इज असम, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एक डिब्रू सिखोवा, मानस, ठीक है, नमेरी, नंबोर, ये सब कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एग्ज़ाम में काफ़ी आते रहते हैं। ये सारे कहाँ पे? असम में, ठीक है। चलिए, राजाबरी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश एंड डी त्रिपुरा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राजाबरी नेशनल पार्क कहाँ पे? तो त्रिपुरा में, ये याद रखेंगे, ठीक है। उड़ंती सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए गोवा, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना एंड डी बिहार। तो राइट आंसर है बी छत्तीसगढ़, ठीक है। वहाँ पे और कौन सा है छत्तीसगढ़ में? तो गुरु घसीदास दास नेशनल पार्क भी है, तो वो भी याद रखें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, इन विच सिटी गिरना रिवर इज लोकेटेड? ए मालेगांव, बी चकेरी, सी नासिक एंड डी भागलपुर। तो राइट आंसर है सी नासिक में है गिरना रिवर। तो ये सब सारी चीज़ याद रखें, डैम, रिवर, सब कुछ आते हैं, स्टैटिक्स क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लर्क में तो इवन 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसे, ठीक है, स्टैटिक्स से। देन नागी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, सी बिहार एंड डी गुजरात। तो राइट आंसर है सी बिहार, ठीक है। और बिहार में कौन कौन सा है? तो आपको याद होगा अगर मैं पूछूं कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन है, एक वाल्मीकि है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम ही है दुधवा नेशनल पार्क है, तो ये सब सारे याद कर लेंगे। तो बिहार का नागी डैम कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। चलिए, भद्रा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए कर्नाटका, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश एंड डी उड़ीसा। राइट आंसर है कर्नाटका। याद रखिएगा, डैम से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे नीमू बग्जो है, ठीक है, तेहरी डैम, सब आपको याद करने हैं। सब जिस राज्य में भी जो भी डैम है वो सारे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, छठा का मैंने बताया ए कर्नाटका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड? ठीक है, तो ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी पद्म भूषण
एनडी अशोक चक्र। तो याद रखिएगा भारत रत्न सिविलियन में सबसे टॉप पे चलता हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, एंड डी केरला। तो राइट आंसर है कर्नाटका, इसको याद रख लेंगे, काली नदी, ठीक है। वेयर इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन लोकेटेड, तो ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ए है म्यूनिक जर्मनी में, बी वियना ऑस्ट्रिया, सी न्यूयॉर्क यूएसए, एंड डी पेरिस फ्रांस। तो म्यूनिक इज द राइट आंसर, ठीक है, ये याद रख लेंगे। ज्यूरिख में किसका है, मिलता जुलता नाम है, तो ज्यूरिख में फीफा का है, फीफा का ज्यूरिख में है, कहाँ पे, जिनेवा, ये ज्यूरिख कहाँ पे, तो याद रखें। अच्छा, ऑस्ट्रिया वियना में किसका है, तो एक IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ओपेक का भी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद कर लेनी चाहिए। फिर है UNODC का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना में ही है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर सकते हैं। न्यूयॉर्क यूएसए में आपको मालूम है यूनिसेफ, यूएनओ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूएसए में। पेरिस फ्रांस में आपको मालूम है, पेरिस में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनेस्को है, ठीक है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट जो भी हेडक्वार्टर्स हैं सब याद कर लीजिए। तो म्यूनिक आंसर राइट था, ये मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच इज द बाउंड्री लाइन डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ए मैकमोहन लाइन, बी रेड क्लिफ लाइन, सी मैगनॉट लाइन, एंड डी दुरंग लाइन। राइट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान का पूछ रहा है, तो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और मैकमोहन लाइन किसके बीच में, तो इंडिया एंड चाइना, ठीक है, ये सब याद रख लेंगे, सिंपल है। और जो भी मैंने हैं बाउंड्री लाइन शेयर किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैग्नेट लाइन, ठीक है, दुरंद लाइन, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो जो भी है सब याद कर लेंगे। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन को हिट कर दें। मेरा कोड ना भूलें वाइल परचेजिंग एनी प्लान फ्रॉम अन अकेडमी, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।